वो सी एंटरमीडिएट ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों के लिए बैचेज लॉन्च हुए के लिए बैचेस अवेलेबल है मे जून 2021 के अंदर जो एग्जामिनेशन होने वाला है इससे रिलेटेड तो आप यहां से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं अगर आपको एनरोल करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर देख करके रखा हुआ है यू कैन यूज दी रेफरल कोड शाजली बी और एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन अनएकेडमी सब्सक्रिप्शन आप किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप सी ए का ले रहे हैं या किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन तो आप इस कोड को यूज करके एक्स्ट्रा टेन परसेंट डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं एज वेल एज इस कोड को यूज़ करके जो भी फ्री सेशन हैं उनको भी आप अनलॉक कर सकते हैं अनएकेडमी के ऊपर जिन लोगों ने सी ए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है तो उनके लिए आर्टिकल सबमिट चल रही है वो देखने के लिए कि अगर उनको ये जानना है कि आगे क्या करना है कैसे करना है तो ये आप uh, जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको ये uh, जो फ्रेशली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं जो है गाइडेंस प्रोवाइड होगी सो विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन कैश कैश फ्लो फ्लो स्टेटमेंट स्टेटमेंट है क्या नाम से पता चल रहा है एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे मैं कैश का फ्लो देखने की कोशिश करूँ चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो रहा है यानी एक बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस कैश में हो रहे हैं चाहे मैंने किसी को कैश पे किया या मैंने किसी से कैश रिसीव किया इस स्टेटमेंट के अंदर वो सारे ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे अब इससे होगा क्या अगर मैंने 2018 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया उसमें मुझे पता चलेगा इनफ्लो कितना हुआ कैश का आउटफ्लो कितना हुआ कैश का 2019 का स्टेटमेंट बनाया 2020 का स्टेटमेंट बनाया अब इससे व्हाट विल हैपन कि मुझे कल का जो स्टेटमेंट है यानी मैं 2021 के लिए कहीं कही ना कहीं एक प्रिडिक्शंस बना पाऊंगी कि इनफ्लो कितना हो सकता है मुझे कैश का या आउटफ्लो कितना हो सकता है कैश का अगर मुझे ये सारे ईयर्स में ये देखने को मिला कि जो आउटफ्लो हो रहा है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है तो मुझे उसी अकॉर्डिंगली ट्वेंटी

कैश इनफ्लो जो है वो बहुत तरीके से हो सकता है यानी बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू हो सकता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू मुझे कैश का इनफ्लो हो रहा है या जिनके थ्रू मुझे कैश का आउटफ्लो हो रहा है उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपको पता चल जाएगा कि ये जो इनफ्लो हुआ लाइट से फॉर एग्जाम्पल ये ट्वेंटी थाउजेंड का कैश आया आपके पास में तो आपको पता चलेगा कि ये ट्वेंटी थाउजेंड एक्चुअली में किस पर्टिकुलर एक्टिविटी से आपको आया तो आप फर्दर फ्यूचर में उस एक्टिविटी के ऊपर फोकस कर पाएंगे क्योंकि दैट इज दी मेन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी फॉर यू गाइज तो कहीं ना कहीं आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे आप क्लासीफाई करते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर अपने कैश फ्लोज को अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं इनको भी हम थोड़ी देर में कवरअप करेंगे एडवांटेज क्या हो गया आपको आपकी कैश क्या, फ्लो पोजीशन पता चल जाएगी कैश पोजीशन पता चल जाएगी आउटफ्लो ज़्यादा हो गया अगर तो भी पता चलेगा इनफ्लो ज़्यादा हुआ तो भी पता चलेगा आप उसी अकॉर्डिंगली फ्यूचर में प्लानिंग कर पाएंगे और अगर आपको ये पता चल गया कि ट्वेंटी में आपके पास में कैश पोजिशन क्या थी ट्वेंटी की कैश पोजिशन क्या थी ट्वेंटी की कैश पोजिशन क्या थी तो 2021 में कहीं ना कहीं क्या कर पाएंगे प्लान आउट कर पाएंगे फ्रेम आउट कर पाएंगे अपने प्लान की भाई अ, मेरी पोजिशन किस तरीके की हो सकती है क्या मेरा प्लान गड़बड़ था मुझे किस तरीके से आप कहीं ना कहीं खुद को एज अ बिजनेस इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे हम लिमिटेशंस की बात करें तो इस स्टेटमेंट के अंदर हम केवल कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जबकि आजकल जो हमारा बिजनेस ट्रेंड है ना वो मेनली जो ट्रांजैक्शंस है वो नॉन कैश हो रहे होते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ये तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं अंदर तो कहीं ना कहीं जो पोजिशन आती है वो आपकी इज नॉट ट या आप कह सकते हैं इज नॉट कम्पलीट इन नेचर बिकॉज आधे ट्रांजेक्शन तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे होते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे वॉट हैपेन्स यहाँ पे कि कई बार यहाँ पे लिखा है ट्वेंटी एटीन के अंदर कैश इनफ्लो ट्वेंटी थाउजेंड का था और ट्वेंटी नाइनटीन के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मेरा इनफ्लो हो गया टेन थाउजेंड का तो अगर मैं केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये जो मेरा कैश है वो डिक्लाइन कर गया तो कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस नीचे आ गया है अब मुझे मेजर्स लेने पड़ेंगे लेकिन रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है वो ट्वेंटी नाइनटीन के इंक्रीज हुए हों और मेजर ट्रांजेक्शन नॉन कैश हो रहे हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपको क्लियर पिक्चर कहीं ना कहीं नहीं बताता है अब मैं तीन एक्टिविटीज़ की बात करूं जिनके जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को हम तीन एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं पहली एक्टिविटी हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी दूसरी हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी हो गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक एक करके इन तीनों एक्टिविटीज़ को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे सबसे पहली एक्टिविटी है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना ऑपरेशंस का मतलब हो गया जो भी आपका एक्चुअल बिजनेस है वो तो जो भी एक्टिविटीज़ आपको अपने बिजनेस ऑपरेशन से आ रहा होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ना इट इंक्लूड्स कैश एक्टिविटीज़ जो कि नेट इनकम से रिलेट करती हैं जैसे आप कोई गुज का सेल कर रहे थे या परचेज कर रहे थे या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे आपके मेन बिजनेस से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो आ जाएंगी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जैसे नेस्ले है नैसले मैगी का सेल करती है तो अब ये मैगी क्या से वो सेल करती है इससे जो भी इसको कैश डिराइव होता है या इसकी सेल करने के लिए जो इसको आउटफ्लो uh, करना पड़ता है कैश का ये सारी की सारी चीज़ें वो कहाँ रिकॉर्ड कर देगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर रिकॉर्ड कर देगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो नेस्ले कंपनी जो हमने एग्जांपल लिया ये कुछ इन्वेस्टमेंट करती होगी इन्वेस्टमेंट का मतलब लैंड परचेज़ करती होगी बिल्डिंग परचेज करती होगी या मशीनरी परचेज करती होगी इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करती होगी तो जो भी इसको आउटफ्लो हो रहा है कैश का या इनफ्लो हो रहा है कैश का रिलेटिंग टू दिस इन्वेस्टमेंट बिजनेस तो इसको हम लोग बोलेंगे इन कैश फ्लोज फ्राम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लिया या उसने किसी और को लोन दिया ये ध्यान में रखते हुए कि भाई इसको लोन देंगे तो ये हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा या अगर इसने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए इन्वेस्टमेंट की तरीके से कि हम अगर इसके शेयर्स परचेज करेंगे तो हमको डिविडेंट मिलेगा तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ये हो गई मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ अभी इनको हम डिटेल में भी कवर अप करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जो भी एक्टिविटीज जिसके थ्रू एक पोर्टिकुलर बिजनेस फाइनेंसिस लेकर के आएगा जैसे आप शेयर्स इशू करें फाइनेंस आएगा आपके पास में आप डिबेंचर्स इशू करें ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये इंक्लूड हो जाती हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर एक एक करके इन सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ना एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी थी जो मेरे प्रिंसिपल बिजनेस से रिलेट करती हैं मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज मेरी कैश आया मेरे पास में अगर गुड्स या सर्विसेज को सेल करके कहां पे रिकॉर्ड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश रिसिप्ट जो भी मुझे रॉयल्टी मिली जो भी मुझे फीस मिली जो भी मुझे कमीशन मिला या कोई भी रेवेन्यू जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ उससे रिलेटेड है मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश पेमेंट जो हमने किया सप्लायर्स को किसके में रिकॉर्ड करेंगे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी भाई अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे थे उससे रिलेटेड आपको रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा तो वो जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड कहाँ रिकॉर्ड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो भी कैश रिसिप्ट आपको मिली है इंश्योरेंस कराया आपने अपने इंप्लॉयिज का या अपने गुड्स का या इंश्योरेंस कराया आपने कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश पेमेंट अगर आपको इनकम टैक्स का कोई पेमेंट आ रहा है रिफंड आ रहा है तो हम लोग कैश फ्लो के ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे हाँ अगर वहां पे एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि वो इनकम टैक्स रिफंड किस एक्टिविटी से रिलेटेड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे अदर देन दैट अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं कैश रिसिप्स एंड पेमेंट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड फॉर डीलिंग या ट्रेडिंग पर्पेज इन शॉर्ट मेरी जो भी मेन प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल एक्टिविटी है मेरे बिजनेस की यानी मेन एक्टिविटी है मेरे बिजनेस की उस एक्टिविटी से रिलेटेड मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो भी इनफ्लो हो रहा है जो भी आउटफ्लो हो रहा है नेस्ने का एग्जांपल लिया मैगी जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है उससे रिलेटेड जो भी कैश का आउटफ्लो होगा या जो भी कैश का इनफ्लो होगा सारा का सारा कहाँ रिकॉर्ड करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर

कंपनी ने अगर किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज करें तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करते हैं हम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिकॉर्ड कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अब इस ऊपर अगर आपको कोई डिविडेंड मिले तो भी कहा रिकॉर्ड कर देंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिर अगर आप दूसरी पार्टी को थर्ड पार्टी को कोई लोन देते हैं फॉर एग्जाम्पल इस पर इस, ये ध्यान में रखते हुए कि भाई इसको लोन देंगे तो ये हमको इंटरेस्ट पे करेगी तो ये क्या हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हाँ अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना बैंक भी तो लोन वगैरह देता है वो बैंक के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है वो तो बैंक के ऑपरेशन से रिलेटेड है तो बैंक के लिए ये वाली एक्टिविटी ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगी एक नॉर्मल बिजनेस जो ये लोन दे रहा है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग इन्वेस्टिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे कोई भी आपको कैश रिसिफ्ट आती आपने है आपने शेयर्स खरीदे हैं आपने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं आपने ऑप्शन खरीदा आपने सब कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं सारी चीजें जो भी आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी है या बेची है वो हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा कैश प्रोसीज फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर्स सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा फिर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या हो गई आपकी वो एक्टिविटी जिसके थ्रू मैं फाइनेंसिस लेकर के आई रही हूं यानी वो एक्टिविटीज जिनके थ्रू आप पैसा लेकर के आए एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर तो कैश प्रोसीज जो भी होंगी जब आपने शेयर इशू किया भाई शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश पेमेंट जो भी आप कर रहे हैं ओनर्स को ओनर कौन हो गए मेरे शेयर होल्डर्स इनको आपने अभी पैसा वापस कर दिया या इनको आपने डिविडेंड पे कर दिया कहा रिकॉर्ड कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश प्रोसीज डिबेंचर की पेमेंट पे अगर हो रही है आपको आपने डिबेंचर इशू किया डिबेंचर इशू कर रहे हैं या शेयर्स इशू कर रहे हैं आपके पास तो पैसा आ रहा है पैसा आ रहा है यानी फाइनेंस आ रहा है कहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो भी कैश रीपेमेंट हुआ है आपको अमाउंट बोरोड का यानी अमाउंट आपने कोई बोरो किया था फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से लोन लिया आपके लिए क्या हो गया ये फाइनेंस हो गया तो आपने कहाँ रिकॉर्ड किया फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर अब ये पैसा आपने वापस कर दिया तो भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर करेंगे कैश पेमेंट बाय अ लीज फॉर रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रिलेटेड टू फाइनेंशियल लीज अगर आपने लीज पे कोई सामान लिया था कोई भी चीज़ लिया था फाइनेंस लिया था या कुछ भी लिया था अभी उसके लिए अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तो वो भी आपका कहाँ पे इंक्लूड कर देंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे ना अब यहां पे बात आता है टैक्स रिफंड का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैश रिफंड वाला तो लेट्स यू फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक लैंड परचेज किया लैंड परचेज किया तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अब ये जो स्टैंप ड्यूटी पे करी हमने या कोई भी टैक्सेस आपने पे किया कैपिटल गेन हुआ आपको लैंड को सेल करके या कुछ भी कोई भी कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर कोई आप टैक्स पे कर रहे हैं या आपको कोई रिफंड मिल रहा है अब यहाँ पे आपको एक्सप्रेसली पता है ये एक्टिविटी कौन सी है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी तो इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर ही रिकॉर्ड करेंगे तो इसके थ्रू आपको कोई भी टैक्स का प्रोसीज हुआ है कैश का टैक्स का रिफंड हुआ है वो सारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा तभी हमने बोला था कि अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग कहाँ पर मैंशन करेंगे उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर और अगर आपको

ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए ये एक्टिविटीज तो क्वेश्चन नंबर वन इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इन क्या क्या इंक्लूड करेगा तो ये अभी हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्लूड करेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंक्लूड करेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड करेगा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है इन कैश फ्लोज जब एक कंपनी इन्वेस्ट करती है फिक्स्ड असेट के अंदर एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे सो व्हाट विल हैपन कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो कैश चला गया आपके पास है फिर देखिए अ कंपनी दैट इशूज स्टॉक एंड बॉन्ड्स टू रेज फंड रिजल्ट इन आपने स्टॉक इशू किए शेयर इशू करे बॉन्ड्स इशू करे पैसा लेके आने के लिए अपने बिजनेस के अंदर तो क्या हो जाएगा आपका रिजल्टिंग एक्टिविटी आपका कैश के अंदर इंक्रीज जो है कि हो जाएगा ना परचेज वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर इट्स सर्विसबल लाइफ इज कैटेगराइज एज जो भी ऐसे में आपने असेट्स को परचेज किया इसको हम लोग डिवाइड करते हैं ना कि भाई ये असेट जो है वो अगर दस साल का है तो हम लोग इस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये एक लाख का असेट था तो इससे इसके ऊपर हम हर साल मान लेते हैं दस दस परसेंट का जो है डिप्रिसिएशन चार्ज करने की कोशिश करेंगे ताकि टुवर्ड्स द एंड आपके पास में उतना पैसा हो जाए कि आप ये असेट को रिप्लेस कर सकें तो इसको क्या बोलते हैं करना इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन करना नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड तो बेसिक बेसिक फाइनेंशियल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी आपकी सारी आ जाती है ना इनकम स्टेटमेंट यानी पी एन एल बैलेंस शीट कैश फ्लो फंड फ्लो सब कुछ आ जाएगा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे करके रखा आपको सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो कैश फ्लो को एक बार और देख लेते हैं हम लोग कि कैश फ्लो क्या कह रहा है आपका देखिए कैश फ्लो क्या हो गया कैश फ्लो के अंदर हम लोग इन्फ्लोज देखने की कोशिश करते हैं एंड आउटफ्लोज देखने की कोशिश करते हैं हमारे स्टेटमेंट्स के अंदर कि कितना एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का इन्फ्लो हुआ है और कितना एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का आउटफ्लो हुआ तीन एक्टिविटीज़ बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी नेट इनकम से रिलेट करती हैं यानी कि जो एक्चुअल में आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी आउटफ्लो हो रहा है या जो भी इनफ्लो हो रहा है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे जो इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया उसके अंदर जो भी आपका ट्रांजेक्शन होगा चाहे इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है चाहे आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम लोग वो सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करते हैं जो कि रिलेट करती हैं जब भी आप पैसा लेकर के आते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर यानी यहाँ पे यूजुअली हम लोग लाइबिलिटीज़ की बात करें क्योंकि आप पैसा ले करके आ रहे हैं बिजनेस में इसका मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वो सारी एक्टिविटीज़ के अंदर को हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा अगर आप एन टी ए नेट मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जो नोट्स हैं ये क्रिएट किए गए हैं ये सारे पी डी एफ नोट जो है आपके क्रिएट करे गए हैं सारी की सारी यूनिट से रिलेटेड आप चाहें तो ये नोट्स जो है इनको परचेज कर सकते हैं बाय ड्रॉपिंग अ मेल ऑन जूम कॉमर्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे करके रखा हुआ है जूम कॉमर्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम के ऊपर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं एंड ये नोट्स आप परचेज